स्टेज पे रौनक अफरोज बावकार उलमाए दीन दानिशवरान अमाए दीन मुअज्जज़ सामईन बुज़ुर्गों अज़ीज़ बच्चों नौजवान साथियों अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वसलामु अला इबादिही अल्लज़ीना इस्तफा अम्मा बाद फऔज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अयनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा सदकल्लाहु मौलाना अल-अज़ीम वबल्लगना रसूलुन नबीयुल अज़ीम الأمين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحان الله سبحان الله غوث اعظم بمنے بسر ساما مدد آمین قبلے دی مدد کعبے امام مدد آمین بغدا بے بلا استاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی آمین قادریم نعرہ یا غوث اعظم میزنم दम से शेख अहमद रदा खान कुतुब आलम मीजनम कादरियम नरैया गौस आदम मीजनम दम से मुर्शिद मुत्तकी मुफ्ती आदम मीजनम रहमते दो आलम नूरे मुजस्सम फ़ख्रे आलम फ़ख्रे आदम व बनी आदम हुजूर अहमद मुजतबा प्यारे मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार गोहरबार में हदिया दरूद व सलाम नजर कर लें, पढ़ लीजिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदि वल करम मंबईल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। अल्लाह ताला प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाला अलैहि वसल्लम के वसीले से इस पाकीज़ा इजलास को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए आमीन और इसमें हाजिरी का बेहतरीन सिला दोनों जहान में खुदा हम सबको अता फरमाए आमीन आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाला अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह आप हज़रात इस पाकीज़ा महफिल में काफ़ी बड़ी तादाद में तशरीफ़ लाए और पूरी बेदारी के साथ बड़ी मोहब्बत से ये प्रोग्राम आप हज़रात समाअत फरमा रहे हैं। जनाब हसनैन साहब की वालदा और हमारे दोस्त फाजिले गिरामी हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद ज़ाकिर रज़ा साहब की सास साहिबा मरहूमा
कि रूहे पाक को ईसाले सवाब करने के लिए ये पाकीदा मजलिस सजाई गई है। अल्लाह मरहूमा की मगफरत फरमाए, आमीन, उनकी कब्र में कुशादगी और नूर अता फरमाए, आमीन, और उनके घर वालों को मेरा अल्लाह सब्र जमील अता फरमाए। हज़रत हाफिज अब्दुल वहीद साहब जो इस वक्त अलालत तबा से दो चार हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत सलामती और शिफाए आजला अता फरमाए, आमीन, और सेहत सलामती के साथ उनको लंबी उम्र दे और उनका साया उनकी औलादों के सरों पे अल्लाह ताला देर तक रखे, आमीन बिजाहे नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चूंकि मेरे बाद भी एक तकरीर पर तनवीर आपको सुननी है, जी बिल्कुल, ये हजरत मौलाना जाकिर रजा साहब की अपनी सास से मोहब्बत और इस घर बार से उल्फत का नतीजा है कि यहाँ शोराए ज़बील एहतराम भी आए और कई कई खतीब तशरीफ लाए, बेशक इसलिए हालात के तनाजुर में मुझे कम वक्त लेना है, हालांकि मेरी तकरीर कम वक्त की मुतामिल नहीं होती, मेरी तकरीर ज़रा ज़्यादा वक्त की मुतकादी होती है, मगर मैं फिर भी कोशिश करूँगा कम वक्त में अपनी बात को समेट दूँ ताकि आने वाले मेहमान के लिए सही मौका मिल जाए। जी बिल्कुल, पूरी दुनिया में हम जब नज़रें उठा के देखते हैं या इतिहास का जायज़ा लेते हैं तो दुनिया में नज़रिए इज़म व्यू पॉइंट्स और विचारधाराएं दुनिया में बहुत हैं, मगर हर विचारधारा में ये बात मुश्तरक है कि पैदा हो गए, खा लिया, पी लिया, मज़े ले लिए, इंजॉय कर लिया, किसी का माल मार लिया, किसी की मेड़ काट ली, किसी का गरेबान पकड़ लिया, किसी की लाश पे बंगला बना लिया और ताकत के नशे में चूर होकर किसी को सता लिया और काम ख़त्म, वो मर गया, ये मर गया, अब कुछ नहीं होगा, जो हो गया वो हो गया। ये दुनिया की तमाम विचारधाराएं इस तरह की हैं और कुछ ऐसी भी हैं कि अगर कोई पाप करेगा, अगर कोई पाप करेगा तो वो अपार शक्ति पाप करने वाले पापी को दूसरा जन्म देगी, माज़ल्ला, अब उस जन्म में वो कुत्ता बना दे, बिल्ली बना दे, बंदर बना दे, वो उस शक्ति के हाथ में। लोगों का मानना है उन लोगों का कि सात जन्म होते हैं, कभी बिल्ली बन के आ गए, कभी बैल बन के आ गए, कभी कुत्ता बन के आ गए, पीछे कुत्ते थे अब वो इंसान बन के आ गए, पहले बंदर थे फिर वो जनाब वाला कुछ और बन के आ गए, तवज्जो है, वो पहले कुछ और थे फिर कुछ और हो गए, अब इंसान है, इंसानों के बाद फिर वो मर जाएंगे, फिर कुत्ते बन के आ जाएंगे, फिर कुत्ता बन के फिर बिल्ली बन जाएंगे, फिर बिल्ली के बाद फिर इंसान बन जाएंगे, सात जन्म हो जाएंगे, मगर सात जन्म के बाद भी बात यहाँ खत्म हो जाएगी, फिर आठवां जन्म नहीं होगा, खत्म तो खत्म। बात कुछ समझ रहे हैं आप लोग? मगर पूरी दुनिया में सिर्फ एक धर्म, एक इज्म, एक नजरिया, एक विचारधारा ऐसी है
जिसने आने से लेकर जाने तक सारे के सारे पर्दे उठा डाले। पूरा प्लान दिया, सारा सिस्टम दिया, सारे रास्ते दिखाए और कैमरों की तरह यहाँ यहाँ से लेकर वहां तक शिफ्टिंग और ट्रांसफरिंग की पूरी दास्तान इस विचारधारा ने दुनिया के सामने पेश की। और इस विचारधारा और इस इदम को दुनिया में मजहब इस्लाम के नाम से जाना जाता है, जिसमें पूरी की पूरी पूरा का पूरा बायोडाटा, पूरी की पूरी डिटेल, कहां से आए थे, किधर जाना है, क्या करना है, कई बार जन्म होगा या एक बार ही जन्म होगा, वो पूरा का पूरा बायोडाटा मजहब इस्लाम ने पूरी दुनिया को अता फरमाया। माशाल्लाह, सुन रहे हैं आप लोग, बात समझ में आ रही है ना? जो बायोडाटा इस्लाम ने दिया वो किसी ने नहीं दिया। हालांकि कोई कहता हम बहुत पुराने, हम बहुत पुराने, हम बहुत पुराने, हम बहुत पुराने, पुराना पुराने और नए होने से क्या हो रहा है? आंखें चाहिए, आंखें किसके पास, दिल किसके पास है, जिगर किसके पास है, नजर किसके पास है? ये नजर सिर्फ इस्लाम के पास है कि कैसे आए हो और क्या होना है, फिर क्या होना है। देन एंड देन और फिर उसकी मंजिल क्या है? तवज्जो है जी। अब मैं इस बात को अगर शुरू से आखिर तक सुनाऊं, शुरू से स्टार्टिंग से एंड तक ले जाऊं तो कम से कम मुझे 5 घंटे चाहिए जी। कम से कम 5 घंटे, यानी 10 बजे से लेकर 3 बजे तक मेरी बात खत्म नहीं हुई, मगर मुझे थोड़ा सा कम टाइम लेना है और इस बात को समेटना है, यानी शॉर्ट मारना है और कहीं कहीं हजफ कर देना, अहम अहम बात बता देना है। न 2.5 घंटे, अल्लाह मरहूमा की बख्शिश फरमाए, आमीन आमीन, जोर से कह रहे हैं आमीन। तो इसको यूं समझिए आप, अल्लाह है, जोर से कहें सुभान सुभान अल्लाह अल्लाह बेशक। अल्लाह फरमाता कुल हुवल्लाहु अहद, आप कह दो महबूब अल्लाह एक है, अल्लाह उस्समद, अल्लाह बेनियाद, लम यलिद वलम यूलद, ना उसका कोई बच्चा है ना कोई बाप है, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और उसका कोई हम बल्ला हम बल्ला नहीं, उसका कोई हमसर नहीं, उसका कोई सानी नहीं, वो अकेला है। बेशक जोर से सुभान अल्लाह, जोर जोर से अल्लाह की नारे, तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती बना हनफी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह की तारीफ किया करो, जितनी हो सके अल्लाह की तारीफ किया करो, उस पर खुश हुआ करो। अल्लाह फरमाता अल्लाह की शान है, अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम, ये अल्लाह पाकीज़ा, अल्लाह बुलंद, अल्लाह इबादत के लायक वही है, वही जिंदा है, वही कायम रहने वाला और कायम रखने वाला, अल्लाह ताख़ुज़ु सिनतुन वला नौम, न उसे नींद आती है न ऊंघ आती है। जोर से वो हमेशा जागता रहता है, उसे नहीं नींद आती है ना ऊंघ आती है, ला ताक़ुदूस नतुम वला नौम, लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, ज़मीन और आसमान में जो कुछ है सब उसी का है, लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, मन दल्लज़ी यश्तऊ लहु इल्ला बिइज़्निही, कौन है जो उसके दरबार में किसी की सिफारिश करे मगर वही जिसे वो इजाजत देता है। वसिया कुर्सी समावात वल अर्ज़, उसकी कुर्सी आसमानों और जमीनों में फैली हुई है, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह, आसमानों में भी जमीन में भी जनाब वाला, एक जगह अल्लाह फरमाता वो अल्लाह ऐसी शान वाला है, ऐसी शान वाला है, ला तुद्रिकुल अब्सार वहुवा युद्रिकुल अब्सार वहुवा लतीफुल खबीर, वो ऐसी शान वाला अल्लाह है लोगों के वो कोई अपने हाथों में उसे ला नहीं सकती, और वो अल्लाह है जो तुम्हें देखता है, तुम्हारे दिलों को देखता है, और जो तुम्हारे दिलों में वसवसे आते हैं, अल्लाह
सुदूर वो अल्लाह शान वाला है कि तुम्हारे सीनों में छुपी हुई चीजों को भी देखता है और तुम्हारी आंखों के अंदर पोशीदा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद वाह बहुत अच्छी बात है। बस एक अल्लाह सुपर पावर सिर्फ एक खुदा उसके अलावा ना पेड़ ना जमीन ना आसमान ना सिस्टम में कुछ भी नहीं है। अल्लाह फरमाता कुन तो कल्लम मख्फिया मैं तो छुपा हुआ खजाना था फारत वनोरफा तो मेरी मशीयत हुई कि मेरा इंट्रोडक्शन हो मेरा तारुफ दुनिया में मेरी पहचान हो फबास तो मोहम्मदन नबिया तो फिर मैंने अपने मोहम्मद को अपना नबी और अपना बुरहान बना के भेज दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जोर से सुभान अल्लाह अल्लाह तरक्की दे आप लोगों को और अल्लाह जिसकी मोहब्बत में तुम यहाँ आए हो उस मरहूमा की अल्लाह बख्शिश फरमा दे। बहुत मेहमान है माशाल्लाह ये मोहब्बत है और ये जरूरी है आपकी आप माशाल्लाह बहुत देर तक बैठे हैं बहुत अच्छा लगा बढ़िया जी जी इनकी पोती है इस घर में अच्छा माशाल्लाह तवज्जो है जी जी रिश्तेदारियों में मोहब्बत होनी चाहिए बेशक ये रिश्तेदारियों में कटाप पटाप नहीं होना चाहिए। जो रिश्ते जो रिश्तों को काटता है वो जनाब वाला अल्लाह को मंजूर नहीं है जो रिश्ते को काटे वो मोहब्बत जो रसूल रसूलुल्लाह को मंजूर नहीं है जो सिला रहमी को काट दे अल्लाह के नबी फरमाते लैस मिन्ना वो हम में से है ही नहीं जो सिला रहमी ना करे जी हक बात अरे जो रिश्तों को काटते मामूली मालिम मामूली बातों पे लोग रिश्तों को काट देते हैं जी सही बात मेरा नहीं मैं तेरा नहीं तू मेरा नहीं मैं तेरा नहीं अबे काय का तू तेरा और काय का तू मेरा जी अबे है कितनी है कितनी है क्या है तू है क्या अपने आप पे आदमी गौर कर बार बार मेरा अल्लाह फरमाता तुमसे कहता है ओ लोगों जरा अपनी असलियत तो देखो हो इतराने वालों अकलने वालों कुर्सियों के नशे पे चूर हो जाने वालों माल के नशे में इतराने वालों अपनी औलादों पे फट जाने वालों और अपनी असलियत को पहचानो तुम्हारी असलियत ये अल्लाह फरमाता बार 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 फरमाता अल्लाह बार बार फरमाता है तुम्हारी हकीकत बस इतनी है मैंने पैदा कर दिया तुम्हारी बुनियादों में हैसियत को पहचानो अभी तराते हो जरा अपनी अपनी स्टार्टिंग को पहचानो अपनी इब्तिदा को पहचानो अपने आवाज को पहचानो अबे हैसियत क्या है सिले रहमी को कम करने वाले रिश्तेदारी को खत्म करने वाले मोहब्बतों के तारों को मोहब्बत के धागों को काटने वालों तुम्हारी हैसियत इतनी है तुम्हें अल्लाह ने नापाक चीज से पैदा फरमाया बहुत अच्छी बात है एक ना बार बार के लकद खलकन लिंसाना मिन अलाकातिन बेशक अल्लाह ना पाची से पैदा किया जी सही बात फिर मां का पेट में रखा तो मां का खून रोक दिया तवज्जो है जी जी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह मां का खून रोक दिया गया फिर वो खून किधर गया तो जनाबे वाला अल्लाह फरमाता कुरान शरीफ में भी है हदीस में भी है कि अल्लाह ने उस खून की जगह बना दी जी बेशक बच्चा खून पी रहा है मां के पेट में मां का खून पी रहा है तवज्जो है जी खून भी ना पाक असलियत देखो इतराने वालों एक दूसरे से लड़ाइयां झगड़े करने वालों अमीरों गरीबों की खाइयां खोदने वालों आपस में मोहब्बतों के ताने बाने उधेड़ने वालों जनाब नकद रहे ना पाक से पैदा हुए फिर माँ के पेट में भी जनाब वाला फलम दिया गया फलम दिया गया है तो देखें आज चिकन तंदूरी चाहिए चिकन फ्राई चाहिए फलां चाहिए फलां चाहिए जनाब वाला कोई चिकन मुगलाई चाहिए कोई कोई अफगानी चिकन चाहिए अबे अफगानी चिकन मुगलाई चिकन के दीवाने जरा हैसियत तो पहचान माँ के पेट में खून की निगाह दी गई गई खुदा की कसम इस दुनिया में दो साथ हैं तीन साथ हैं बल्कि यूं कहो कि एक घर ऐसा है, 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 है
और वो घर है सैयदा फातिमा ज़हरा का घर, हसन पाक को अल्लाह ने ये जिला नहीं दी, हुसैन पाक को अल्लाह ने ये जिला नहीं दी, ज़ैनब को अल्लाह ने ये जिला नहीं दी, क्योंकि दुनिया में पहली औरत है फातिमा ज़हरा, पहली औरत है जो एमसी से पाक है, मंथली कोर्स से पाक है, नापाकी से पाक है। दुनिया में कोई औरत ऐसी नहीं है जो औरत महीने के 300 दिन लगातार नमाज पढ़ सके, मगर दुनिया में एक अकेली औरत फातिमा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हो नमा अहले सुन्नत, मुफ्ती इमरान हनफी साहब सुगला, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हक बात है हजरत, वाह तवज्जो है। एक अकेली औरत फातिमा जिसके बारे में मुस्तफा जाने रहमत इरशाद फरमाते हैं, मरहूम के दसवें के मौके पर जरा प्यारी प्यारी फातिमा का भी जिक्र कर लो, इजाजत चाहूंगा, जोर से कह दो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यारी प्यारी जबान से इरशाद फरमाते, इन फातिमा तहौरा व आदमिया, अल्लाह तुझे फातिमा का सदका अता फरमाए, आमीन। सरकार फरमाते हैं विलाशवा मेरी बेटी, गौर से सुनने की बात है, विलाशवा मेरी बेटी फातिमा इंसानी दुनिया की हूर है, इंसानी दुनिया की हूर है, इंसानी दुनिया की हूर है, नापाकियों से दूर है, इंसानी दुनिया की हूर है, ये दुनिया में लगातार 300 दिन की नमाज पढ़ती है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब इनके पेट में हसन है, इनके पेट में हुसैन है, इनके पेट में ज़ैनब है जनाब, वाला हमारी रिदा खून दिया गया हमें, उन्हें क्या दिया गया, तो बरेली वाले आला हजरत मोहले सुन्नत मुजद्दिद दीन मिल्लत मुहसिन सुन्नियत आफते जाने वहाबिया सैयदना इमाम अहमद रजा फाजिले बरेली मेरे आका फरमाते हैं, परसों रात महफिल नूरी थी बरेली शरीफ में, मैं गया था सुबह वहीं से आ रहा था बरेली से, फजर के बाद अचानक टेलीफोन, अब चूंकि लॉकडाउन है तो लॉकडाउन में बड़े बड़े सुरमा घरों में ही सड़ रहे हैं, हड्डियों में दर्द हो गया सोते सोते, करें तो करें क्या, कभी इस करवट कभी उस करवट, किसी करवट चैन में नहीं, अल्लाह मेरे कौन सी दुनिया में आ गए, बिल्कुल दुनिया ही बदल गई, इंसान बदल गए, मॉरल वैल्यूज बदल गई, चेहरे बदल गए, रिश्ते नाते बदल गए, कारोबार अच्छा खासा जनाब वाला, बड़ी अच्छा कारोबार था, बड़ी थी दुकान थी, तो पता चला समोसे ही बना रहे, सुबह ही फोन आया हजरत का कि मेरी सास का दसवां है, आपको रहना है, मैं बरेली शरीफ से निकल रहा था, मैंने कहा ठीक है इंशाल्लाह हाजिरी होगी, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हाजिरी हुई, आपको देखा तबीयत खुश हुई, वही उनकी महफिल नूरी से शिरकत की, उनका नाम आ गया, तो ये इस सवाल का जवाब उन्होंने ही दिया कि हमने तो खून पिया, उन्होंने क्या पिया, तो बरेली वाले आला हजरत फरमाते हैं झूम पड़ना जवाब बड़ा प्यारा है, पूरी दुनिया में ये अकेला जवाब ही नहीं का है, हालांकि जनाब वाला हमने बहुत सारे लोगों से पूछा, किसी ने कोई जवाब, किसी ने कोई जवाब दिया, मगर बरेली वाले कहते हैं हम पे क्यों कयास करते हो उन्हें, हम कहां वो कहां, हम कहां वो कहां, उनकी तो शान ये है कि या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है हजरत, माशाल्लाह सुभान अल्लाह सुभान, अरे हम बशर हैं, सिर्फ बशर, हमारी जगह जनाब कौन है, मगर वहां करो तो वहां का मंजर अलग है, वहां का सिनेरियो अलग है, वहां का सीन अलग है, उनकी तो पोजीशन ये है कि या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, और तू है नूर, तेरा सब घराना नूर का, उनकी तो जिंदगी नूर है, वो भी नूर, और उनकी जिंदगी नूर, बेशक सुभान अल्लाह।